हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर थ्री टग ऑफ वॉर ऑफ योर बुक कम्युनिकेट कैम्ब्रिज लेट्स स्टार्ट दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी थ्री द टग ऑफ वॉर टग ऑफ वॉर क्या है कहते हैं रस्सा कशी को जब दो पार्टीज आपस में रस्सा खींचती है रस्से को खींचती है उस गेम को कहते हैं द टग ऑफ

रस्सी खींच रहे हैं और ये गेम खेल रहे हैं इन लड़कों के चेहरे इतने क्यों हैं, तने हुए क्यों हैं? डिस्कस इन क्लास आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है तने हुए क्यों हैं? क्योंकि वो पूरा जोर लगा रहे हैं रस्सी को अपनी तरफ खींचने में तो उस प्रेशर की वजह से उनके फेस पर भी वो स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं Let's start the chapter. One peaceful morning, a hare called Umundla. एक शांत सुबह, एक खरगोश जिसका नाम था Umundla, who lived by the Zambezi River was bored. जो Zambezi River के किनारे रहता था, वो bore हो रहा था. He felt like creating a bit of fun for himself. उसे लगा कि वो कुछ मजेदार करे सो ही लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट ही कुड डू तो उसने अपने चारों तरफ देखा कि वो क्या कर सकता है उसे मस्ती सूझी इट गिव हिम ग्रेट प्लेजर टू ट्रबल अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था Suddenly, he spotted two dignified old residents of the area, Rhino and Hippo. Or, Achanakhi Use Us Chhetrike, Do Pratishthit Purane Nivasimile, Konthevo, Rhino or Hippo. Hippo, although aware of his ugliness, was proud of his strength. हिप्पो उसे अपनी अगलीनेस अपनी कुरूपता का पता था वो जानता था कि वो दिखने में सुंदर नहीं है लेकिन इसके साथ ही साथ उसे अपनी ताकत पर गर्व भी था माइंड वॉज अ ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैंक्स लेकिन अब उम वंडला जो कि खरगोश था उसका दिमाग क्या था उसका दिमाग था ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैंक्स यानी उसके दिमाग में शरारतों का खजाना भरा हुआ था ही हॉपड अप टू द रिवर बैंक एंड कॉल्ड वो कूदते-कूदते नदी के किनारे गया और उसने बुलाया ओ माइटी वन हे पराक्रमी व्हाई डू यू से यू आर सो स्ट्रांग तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम बहुत ताकतवर हो इवन आई विद माय स्मॉल साइज एंड थिन लेग्स जबकि मैं भी मेरा आकार बहुत छोटा सा है और मेरे पैर बहुत पतले हैं कुड बीट यू इन अ टग ऑफ वॉर मैं रस्सा कसी के खेल में तुम्हें हरा सकता हूं तो फिर तुम खुद को इतना ताकतवर क्यों कहते हो ये एक खरगोश ने हिप्पो से कहा हिप्पो इग्नोर्ड उमवुंडला एंड हिज रेडिकुलस बोस्टिंग तो हिप्पो ने उमवुंडला की बेहुदी इस शरारत को इग्नोर किया टाल दिया और उससे शेखी बघारने पर ध्यान नहीं दिया वो जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था उस पर हिप्पो ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया व्हाट द हेयर केप्ट ऑन पेस्टरिंग हिम लेकिन खरगोश उसे लगातार परेशान करता रहा एट लास्ट हिप्पो रिप्लाइड और अंत में तंग आकर हिप्पो ने उत्तर दिया इन द ऑफ़ गेटिंग सम पीस एंड क्वाइट इस उम्मीद से उसने उत्तर दिया कि शायद मैं इस हेयर को उत्तर दे दूंगा तो ये कुछ शांत हो जाएगा तो हिप्पो ने उत्तर दिया ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का खेल ऑल राइट ठीक है आई विल शो यू माई लिटिल लॉन्ग न्यूसेंस ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये खेल मेरे छोटे कान वाले उपद्रवी जी उम्बंडला डांस्ड विद डिलाइट और उम्बंडला खुशी से नाच उठा क्यों खुश हुआ क्योंकि हिप्पो उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका था राजी हो गया था रस्सा कशी का खेल खेलने के लिए इसलिए खुशी से नाच उठा ही पॉइंटेड टू एन ओल्ड राउंडेड माउंट ऑफ अर्थ बियॉन्ड द रिवर बैंक तो उसने नदी से परे एक पुराने धरती के गोल टीले की ओर इशारा किया आई बेट मैं शर्त लगाता हूँ आई कुड पुल यू आउट ऑफ द वॉटर एंड ओवर दैट टर्माइट हिल ही टॉन्टेड उसने ताना मारा कि मैं ये शर्त लगाता हूं कि मैं तुम्हें नदी से बाहर खींच लूंगा और उस टर्माइट वाली पहाड़ी के ऊपर ले जाऊंगा ब्रेड अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप और उम वुंडला ने फिर एक लंबी मजबूत रस्सी बांधने के लिए वो दौड़ पड़ा वेन ही केम बैक जब वो वापस आया ही टाइड वन एंड टू हिपोज हिंद लेग उसने उस रस्सी का एक सिरा हिप्पो के पिछले पैरों पर बांध दिया सेइंग ये कहते हुए देन आई शाउट पुल जब मैं चिल्लाऊंगा तुम इसे खींचना फ्रॉम बिहाइंड द हिल पहाड़ी के पीछे से तुम इसे खींचना यू मस्ट पुल विद ऑल योर माइट फॉर आई शेल श्योरली बीट यू और साथ ही साथ हेयर ने कहा कि तुम उसे अपनी पूरी ताकत के साथ खींचना नहीं तो मैं तुम्हें हरा हिप्पो ने सोचा कि आखिरकार ओमवुंडला की जो फुलिशनेस है उसकी मूर्खता है ये तो इस समय बिल्कुल चरम पर है पहले से भी ज्यादा हो गई है ही सेट नथिंग उसने कुछ नहीं कहा एंड अगेन इन फिर से पानी में बैठ टुक द अदर एंड ऑफ द रोप एंड क्रेप्ट अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द हिल अब उमला ने क्या किया रस्सी का दूसरा सिरा लिया और वो हुआ पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गया ओल्ड राइनो स्लीपिंग जहां पर ओल्ड राइनो वृद्ध राइनो सो रहा था ही पिक्ड अप सम फियर्स लिटिल रेड आर्ट फ्रॉम अ नियर बाय होल और हेयर ने क्या किया पास ही पहाड़ी के एक छेद में से कुछ लाल रंग की भयंकर सी चीटियां निकाल ली एंड क्वाइटली ड्रॉप देम इन राइनोस ईयर और उसे जल्दी ही राइनो के कान में गिरा दिया राइनो अवोक विद अ ग्रंट अब जब चीटियां कान में गई तो राइनो एक गुर्राहट के साथ उठा एंड शुक हिज हेड उसने अपना सिर हिलाया ट्राइंग टू स्क्रैच हिज ईयर्स अपने कानों को खुजलाने की कोशिश की रगड़ करके जमीन पर उसने अपने कानों को जोर से हिलाया गुड मॉर्निंग पाइप आई वॉज जस्ट कमिंग टू यू ऑफ द कमिंगला गुड मॉर्निंग करता है और कहता है कि मैं यहाँ आपको इन आंट्स के नेस्ट से वन करने आया हूँ चेतावनी देने आया हूँ ओ आई सी वन हैज क्रॉल्ड इन टू योर ईयर और फिर हेयर कहता है, ओह मैं देख सकता हूं कि शायद एक चींटी रिंग कर आपके कान में चली गई है। मे आई हेल्प यू रिमूव इट? क्या मैं इसे हटाने में आपकी सहायता करूँ? एंड विद द ग्रेट प्रिटेंस ऑफ़ कंसर्न, ही पुश द एंट्स इन फर्दर। और फिर बहुत मुझे चिंता है आपकी ऐसा दिखाते हुए उसने चींटी को उसके कान में और अंदर धकेल दिया दैट वॉज मोस्ट काइंड ऑफ यू सेट द अनसस्पेक्टिंग राइनो और अनसस्पेक्टिंग राइनो यानी राइनो जो खतरे से अनजान था उसने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा किया Your small feet are just right, while mine are far too large for the job. और उसने क्या कहा कि तुम्हारे छोटे से जो पैर हैं ये इस काम के लिए बिल्कुल फिट है जबकि मेरे बड़े लंबे पैर इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है यू हैव नो आईडिया व्हाट ट्रबल आई हैव विद ants तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा कि इन चींटियों से मुझे कितनी परेशानी है एंड ही grumbled on और फिर वो बड़बड़ाता गया लाइक like cranky old people everywhere जैसे बूढ़े लोग चिड़चिड़ाते हुए इधर उधर बड़बड़ाते घूमते हैं तो ऐसे ही वो भी बड़बड़ाने लगा वेल रिप्लाइड द चीकी उमवुंडला और चीकी यहाँ पर निर्लज्ज बेशरम उमवुंडला ने उत्तर दिया माय फीट मे बी स्मॉल मेरे पैर छोटे हो सकते हैं बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लेकिन वो बहुत मजबूत हैं। आई चैलेंज यू टू अ टग ऑफ वॉर मैं आपको टग ऑफ वॉर के लिए चैलेंज करता हूं चुनौती देता हूं रस्सा खींचने के लिए i bet i can pull you right over this ant hill and into the river मैं शर्त लगाता हूं कि मैं आपको इन चींटियों की पहाड़ी से ऊपर खींच करके नदी तक ले जाऊंगा old rhino snorted with laughter और ओल्ड राइनो हंसते हंसते लोटपोट हो गया बट एट लास्ट ही टू वर्स पेस्टर्ड इन टू प्लेइंग परेशान होकर वो भी उसकी गेम में, की गेम में खेलने को राजी हो गया सो द हेयर टाइट दिजरोप अराउंड लेग्स। तो हेयर ने क्या किया उस रस्सी का दूसरा सिरा राइनो के पिछले पैर में बांध दिया

काटने लगी थी एंड विद अ बेलो ऑफ पेन और दर्द के झटकों के साथ राइनो चार्ज्ड ऑफ राइनो ने हमला कर दिया पुअर ओल्ड हिप्पो हैड फॉरगॉटन अबाउट उमबुंडला और बेचारा बूढ़ा हिप्पो उमबुंडला के बारे में भूल ही गया था कि उसने उसे क्या चैलेंज किया था ही वाज डोजिंग वो ऊँग रहा था पीसफुली इन पूल अपने पूल में वो शांति से ऊंग रहा था और की बताई हुई शर्त को भूल गया था सडन हार्ड टग ऑन लेग जब उसके पिछले पैर में एक जोर का खिंचाव महसूस हुआ बिफोर ही न्यू इट इससे पहले वो समझ पाता ही वॉज ड्रैगड आउट ऑफ द रिवर उसे नदी के बाहर खींच लिया गया था एंड हाफ वे अप द हिल और वो आधी पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया था When Hippo realized what was happening, जब हिप्पो को ये समझ में आया कि क्या हो रहा था he dug his heels and gave a mighty heave. उसने अपनी एड़ी को जमीन में जोर से गड़ाया और फिर उसने जोर से हिलाया एंड द ग्रेट टग ऑफ वॉर स्टार्टेड इनस्ट और फिर वो रस्सा खेल सीरियसनेस के साथ शुरू हो गया एज एनिमल ट्रेंड एवरी मसल दोनों ताकतवर जानवरों ने अपनी हर मसल को हर मास पेशी को जोर लगाकर तनाव ऐसी खींचा एंड वर्कसेल्व अप्यूरी और पूरे रोश पूरे जोश के साथ वो काम करने लगे उम वुंडला लाफ्ड सो मच दैट ही फेल ओवर उम वुंडला इतना हंसा कि वो ऊपर से गिर गया एंड वेंट रोलिंग डाउन द साइड ऑफ द एंट हिल और रोल करते हुए लुढ़कते हुए एंट हिल की साइड पर आ गया व्हेन दे सॉ हिम देयर और जब उन दोनों ने उसे वहां देखा द टू ग्रेट एनिमल्स न्यू दे हैड बीन ट्रिक्ड तो दोनों बड़े जानवरों को यह समझ आ गया कि उन्हें ट्रिक किया गया है उनके साथ छल किया गया है बेईमानी की गई है रोअरिंग विद एंगर गुस्से से दहाड़ते हुए

दोनों ने सोचा कि हम इसे रौंद दें और ये सोचकर उन्होंने उस पर हमला कर दिया as they charged the hero waited until the last possible moment जैसे ही उन्होंने हमले की कोशिश की तो बुंडला ने आखिरी क्षण तक इंतजार किया एंड देन स्किप्ड आउट ऑफ द वे और फिर रास्ते से जल्दी से फिसल गया दूर चला गया

एक दूसरे को उन्होंने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया चोट पहुंचाई इन अ ब्लाइंड रेज दे स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर और बिना कुछ सोचे समझे वो एक दूसरे से लड़ने लगे untill they heard umbundla जब तक उन्होंने उमबुंडला को सुना हु वाज वीपिंग विद लाफ्टर जो जोर-जोर से हंस रहा था उमबुंडला रियलाइज्ड दैट एट लास्ट द गेम वाज़ और को अब समझ आ गया था कि गेम पूरा हो चुका है, तो वो जल्दी से कूदा और भागकर झाड़ियों में चला गया ही कुड हार्डली वेट टू टेल द अदर एनिमल्स हाउ ही राइनो और वो अपने आप को रोक नहीं सका दूसरे जानवरों को ये बताने में कि उसने हिप्पो और राइनो को कैसे मूर्ख बनाया है टू दिस आज तक राइनो थिंक्स द लिटिल रेड एंट्स आर स्टिल इन हिज इयर्स राइनो सोचता है कि वो छोटी चींटियां अभी भी उसके कान में है सम से दैट द एंट्स आर सो फॉर डाउन दैट दे लिव इन हिज ब्रेन कुछ लोग कहते हैं कि वो चीटियां इतनी अंदर चली गई है उसके कान से होते हुए कि वो अब उसके मस्तिष्क में उसके दिमाग में रहने लगी है वाला हो गया है एज फॉर हिपो यू विल फाइंड हिम स्टिल सर्चिंग द रिवर बैंक एट नाइट हिप्पो को आप अभी भी पाएंगे कि वो रात में नदी का किनारा खोज रहा है उसे नदी का किनारा रात में खोजते हुए अभी भी आप पाएंगे होपिंग टू फाइंड उमगुंडला इस उम्मीद से कि वो शायद उमगुंडला को ढूंढ ले एंड थ्रो हिम टू द हंग्री क्रोकोडाइल और उमगुंडला को ढूंढकर वो भूखे मगरमच्छ के सामने फेंक सके तो इस उम्मीद से अभी भी आप उसे रात को नदी के किनारे घूमते हुए पाएंगे सो स्टूडेंट्स दिस वाज द चैप्टर आई होप यू हैव अंडरस्टूड अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फिर मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ तब तक के लिए बाय बाय हैव हाँ अ गुड डे